अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और मैं निकला हूँ ऑफिस के लिए। आज का सफ़र थोड़ा अलग अटके होगा क्योंकि लॉकडाउन से पहले, जिस दिन लॉकडाउन लगा था उससे एक दिन पहले मैं आगरा से मथुरा आया था ताज एक्सप्रेस से, और आज करीब एक डेढ़ साल बाद मैं ताज से जा रहा हूँ आगरा। फ़र्क यह, पहले MST से था, अब रिजर्वेशन से जा रहा हूँ। लेकिन आज से ही शुरू हुई है ताज एक्सप्रेस, तो आज पहले दिन से शुरू हुई है और पहले दिन ही सफ़र करूँगा मैं ताज के अंदर, ठीक है। तो देखना आप लोग, मज़ा आएगा, बहुत दिन बाद ताज में बैठूँगा। यह है डैम्पियर पार्क, जिसकी वीडियो मैं दिखा चुका हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों, मैं स्टेशन पहुँच चुका हूँ और आज बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, क्योंकि कम से कम डेढ़ साल बाद आज ताज में सफ़र किया जाएगा। तो देखते हैं, ब्यूटीफुल स्टेशन, बहुत बढ़िया। सफाई भी बहुत अच्छी है यहाँ की, बहुत बढ़िया। स्टेशन के अंदर आ चुका हूँ मैं। ताज का डिस्प्ले हो गया है, ताज आने वाली है बस। आज तो पहला दिन है ताज का, आज बिल्कुल राइट आएगी, आज लेट नहीं होगी। यह है मथुरा जंक्शन का स्टेशन, बहुत साफ सुथरा है, नीट एंड क्लीन, बहुत बढ़िया। काफ़ी दिन बाद सफ़र करूँगा आज। वैसे तो ट्रेन में सफ़र कर चुका हूँ लॉकडाउन के बाद से, दिल्ली गया था, लेकिन मथुरा से आगरा करीब डेढ़ साल बाद कर रहा हूँ मैं। मथुरा से आगरा काफ़ी टाइम हो गया, आज काफ़ी मज़ा आने वाला है, बहुत ज़्यादा इंशाअल्लाह। आज अपने अंदर की फीलिंग बताऊं, आज मैं बहुत खुशी हो रही है। काफ़ी दिन बाद ड्यूटी पे मैं ट्रेन से जा रहा हूँ, कहाँ मैं डेली चलता था और आज काफ़ी दिन बाद चल रहा हूँ मैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। ये हमारी ट्रेन नहीं आई है अभी, हमारी ताज आएगी, अलग दिख जाएगी ताज। ताज पूरी ब्लू कलर की है, येलो कलर की नहीं है।
ये आ गई फ्रेंड हमारी ताज एक्सप्रेस, करीब 1.5 साल बाद इसको देखा है और आज इसमें सफ़र करते हैं। तो देखिएगा पूरा ब्लॉग, ठीक है। काफ़ी रश है आज की ट्रेन के अंदर, मैंने सोचा था शायद इतना रश नहीं होगा, लेकिन जो रात को जब मैं रिजर्वेशन करा रहा था तब काफ़ी कम सीटें थी जो रिजर्व हुई थी, बहुत ज़्यादातर खाली थी, लेकिन अब लगता है कि सुबह करंट रिजर्वेशन हो गया। चलो, लेकिन हमारी तो सीट रिजर्व थी तो नो प्रॉब्लम। ये बिल्लो एक्सप्रेस स्टेशन है, काफी चेंज हो गया है 1.5 साल के अंदर, बहुत ज्यादा। जब ताज एक्सप्रेस बंद हुई थी तब ये बनना स्टार्ट हुआ था और अब ये कंप्लीट सा हो गया है, थोड़ा सा रह गया है। ये आगरा का राजा मंडी स्टेशन आने वाला है, इसके बाद आएगा आगरा कैंट स्टेशन। मुझे उतरना है राजा मंडी स्टेशन। ये देखो राजा मंडी स्टेशन है, लेकिन मुझे दूसरी साइड उतरना है, प्लेटफॉर्म दूसरी तरफ आएगा। यहाँ पर बंदरों का बड़ा आतंक था, डेली परेशान किया करते थे हमें। फाइनली मैं पहुंच गया राय मंडी स्टेशन। बहुत आराम से सफ़र करता है ट्रेन का यार, पुराने दिन याद आ गए आज। आज पुराने दिन याद आ गए भाई, बस से तो बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। करीब 1.5 घंटा लग जाता है, 33 मिनट में मैं आगरा पहुंच गया ट्रेन से, और यही बस का सफ़र होता तो करीब
डेढ़ घंटा पौने दो घंटे लग जाते हैं, परेशानी अलग होती बहुत ज़्यादा। तो इससे बड़ा फायदा है, बस यही है कि इसमें MST अलाउ कर दें, अगर MST अलाउ कर दी तो ठीक है, वरना यार रोजाना रिजर्वेशन पॉसिबल नहीं है भाई। कोई भी अपनी ID से एक महीने में 12 रिजर्वेशन कर सकता है, लेकिन 12 से ज़्यादा नहीं होंगे, तो हमें तो एक महीने में 60 बार रिजर्वेशन करना पड़ेगा। अब बताओ 60 बार तो पॉसिबल नहीं है ना, इसलिए MST तो अलाउ होनी चाहिए अभी, ये तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। बाहर आ गया मैं स्टेशन से, और सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रेन रायमंडी स्टेशन से मेरा ऑफिस बहुत पास पड़ता, बहुत ज़्यादा पास पड़ता है, मुझे ऑटो भी नहीं करना पड़ता, और बस से जब आता हूँ तो मुझे ऑटो भी करना पड़ेगा, तो इसलिए ट्रेन से बहुत फ़ायदा है मुझे। ऑफिस तो पहुंच गया, लेकिन अभी ऑफिस खुला नहीं है, बॉस का वेट कर रहा हूँ। जल्दी आ जाओ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं जल्दी आने का, वेट करना ही पड़ता है। लेकिन आज के सफ़र में बड़ा मज़ा आया, कुछ भी कहो, 33 मिनट में आगरा पहुंच गया मैं, कहाँ डेढ़ घंटा लगता है बस से, ओहो, और गर्मी, थकान, वो सब चीज़ अलग है। काश के जल्दी से MST अलाउ हो जाए तो मज़ा आ जाएगा भाई, गॉड, भले ही MST के प्राइस बढ़ा दें, रेट बढ़ा दें, नो प्रॉब्लम, लेकिन परेशानी ख़त्म हो जाएगी, मेन बात ये है। तो चलिए फिर अब ऑफिस में मुलाकात करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो फिर मैं चलता हूँ घर, टाइम हो गया, अब बहुत थक भी गया हूँ, ठीक है। तो देखिएगा ब्लॉग, इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है, अल्लाह हाफिज़, बाय।